फतेहाबाद नागदिक अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा आज 2 घंटे की हड़ताल की गई। डॉक्टरों के द्वारा ओपीडी बंद रखी गई और नागदिक अस्पताल के बाहर प्रांगण में दरी बिछाकर रोष जाहिर किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि वह अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा SMO के पद की सीधी भर्ती की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। वह इसका विरोध करते हैं। जो डॉक्टर फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें ही इसको लेकर मौका मिलना चाहिए। वहीं डॉक्टरों को 40% आरक्षण मिले, वहीं जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं उन्हें स्पेशलिस्ट के लिए अलग से मान दे दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज उनके द्वारा 2 घंटे की हड़ताल की गई है और OPD बंद रखी गई है, जबकि इमरजेंसी और पोस्टमार्टम की सेवाएं जारी रही। ये क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर आज स्ट्राइक पे गए थे डॉक्टर? एक्चुअली हमारे जो मांगे थी, मुख्य मांगे 3 थी। SCMS एसोसिएशन जो हमारी स्टेट की है, उसने ये 3 मुख्य मांगे हमारे रखी थी कि भैया एक डायरेक्ट SMO की भर्ती बंद करो, क्योंकि इससे दूसरे डॉक्टर जो पहले से नौकरी पर हैं उन लोगों को CMO पद तक जाने का मौका नहीं मिलता, और जो लोग डायरेक्ट भर्ती हो जाते हैं SMO, वो 5 साल की नौकरी के बाद वो डायरेक्ट CMO भर्ती हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, जिससे 25 सालों से जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी में है, उन लोगों को CMO का मौका नहीं, बनने का मौका नहीं मिलता। दूसरा हमारा ये है कि जो 40% रिजर्वेशन SCMS की होनी चाहिए, ताकि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा हों और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और तीसरी डिमांड हमारी मुख्य ये थी कि भाई स्पेशलिस्ट कैडर के जो लोग स्पेशलिस्ट हैं उनको स्पेशल सैलरी मिलनी चाहिए। 9 से 11 बजे तक स्ट्राइक रही। जो OPD सिर्फ OPD को हमने बंद किया, इमरजेंसी चालू थी और पोस्टमार्टम चालू था।